एक बार की बात है, भगवान गौतम बुद्ध अपने शिष्यों को प्रवचन सुना रहे थे। तभी उनमें से एक शिष्य खड़ा होकर गौतम बुद्ध से पूछता है, गुरुजी अवसर क्या होता है या अवसर किसे कहते हैं? भगवान गौतम बुद्ध कहते हैं, पहले तुम एक काम करो, बगीचे में जाओ और जो सबसे सुंदर फूल लगे वह तोड़ कर लाओ, फिर तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देता हूँ। वह शिष्य बगीचे में जाता है, फूलों को देखता है, एक फूल उसे सबसे सुंदर लगता है, लेकिन वह सोचता है आगे इससे भी ज़्यादा सुंदर फूल मिलेंगे और वह आगे बढ़ जाता है। आगे उसे फूल तो मिलते हैं लेकिन उस फूल के जितना सुंदर नहीं मिलता। वह शिष्य सारा बगीचा घूम लेता है, फिर भी उसे उस फूल के बराबर सुंदर फूल नहीं मिलता। वह सोचता है क्यों ना उसी फूल को तोड़ लिया जाए, वही सबसे सुंदर फूल है। लेकिन जब वह वहाँ पहुँचता है तो देखता है वह फूल वहाँ नहीं था, उसे कोई तोड़कर ले गया था। अब वह शिष्य गौतम बुद्ध के पास आता है और सारा हाल कह सुनाता है। तो गौतम बुद्ध कहते हैं, तुम्हारे पास एक बहुत सुंदर अवसर था लेकिन तुमने उसे गवा दिया, इस उम्मीद से कि तुम्हें उससे भी अच्छा और सुंदर अवसर मिलेगा, लेकिन फिर तुम्हें अवसर तो मिला पर उससे अच्छा नहीं, और अच्छे की उम्मीद में तुमने सभी अवसर गवा दिए और तुम अभी खाली हाथ हो, कुछ भी नहीं है तुम्हारे पास। दोस्तों, हमेशा याद रखें, अवसर छोटा या बड़ा नहीं होता, अवसर एक ऐसा मौका होता है जो तुम्हें तुम्हारे सपने तक पहुंचाने का रास्ता होता है। इसलिए जब भी अवसर मिले उसे छोड़े नहीं, उसका फ़ायदा उठाएं और अपने सपने को हासिल करें।